हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी सकी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का सातवां महीना एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से बहुत ही अलग अलग चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपके प्रेगनेंसी का सातवां महीना शुरू हो चुका है तो आपके बेबी बम का साइज भी काफी बढ़ चुका होगा, लेकिन अब इसके आगे आपके बेबी बम का साइज और ज्यादा इम्प्रूव होगा क्योंकि बच्चे में अब वेट गेन होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपका या फिर आपके बच्चे का जो वेट है वो सातवें महीने के हिसाब से कम है, तो अब आपको तैयारी करनी है कि आने वाले 3 महीनों में आपको आपके बच्चे का और अपना वेट बढ़ाना है। आपको अच्छी डाइट लेनी है। इस समय बच्चे का वेट गेन होगा और बच्चे की हड्डियां और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होने लगेगा इन 3 महीनों में। तो आपको कैल्शियम अच्छे से लेना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से लेने हैं। अगर आपको हाथ पैरों में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तब आपको विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और माँ और बच्चे दोनों में कमजोरी रह जाती है। इस समय आपके बच्चे का ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए आप ब्रेन फूड जरूर खाएं, जैसे कि वॉलनट, हरी पत्तेदार सब्जियां, और पानी की मात्रा भी अच्छे से लें। इस महीने के बाद आपको आपकी इम्यूनिटी पर भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाती हैं इस वक्त तो आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत ही लो हो जाता है। अगर आपको तेज बुखार हो जाता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। इसके लिए आप आंवला, कीवी, मौसमी, संतरा, अमरूद और खट्टे फल का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जंक फूड, मसालेदार खाना डिनर में बिल्कुल भी ना खाएं, और जंक फूड को तो आपको पूरी तरह से अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो आप इसके लिए कोई हेल्दी चीज खाएं जिससे कि आपको और आपके बच्चे को फायदा पहुंचे, ना कि नुकसान हो। नेक्स्ट दोस्तों, अब तक अगर आप पैदल नहीं चल रहे थे तो अब आप पैदल चलें, और अगर आप अब तक चल रहे हैं तो ये ना सोचे कि अब इसके आगे मुझे चलने की जरूरत नहीं है। वॉक करना प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आपकी मांसपेशियों को टोन रखता है और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ये आपको तनाव से भी बचाता है। प्रेगनेंसी में आपको जो शरीर में दर्द और तकलीफ हो रही है, ये पैदल चलने की वजह से ये समस्याएं भी नहीं रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सातवें महीने में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाते हैं, उठने बैठने में तकलीफ, सोने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए आप प्रेगनेंसी पिलोज का भी इस्तेमाल कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे से ट्यूनिंग के लिए अब आपको बच्चे से बातें करनी है। इससे क्या होगा, आप आपके बच्चे से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे और बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा। ऐसा करने से आपको भी फायदा होगा, आप स्ट्रेस से बचेंगे क्योंकि आप ज्यादा समय अपने बच्चे के साथ गुजारेंगे। और प्रेगनेंसी में बच्चे से बात करना, ये गर्भ संस्कार का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको कौन सी परेशानियां आती है और इस समय आपको कौन कौन सी चीजें करनी है ताकि आपके जो 3 महीने बचे हैं वो भी काफी अच्छे से बीते, ये सब बातें आपने इस वीडियो में जानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये पसंद आई होगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।